दोस्तों, जब मैं सोचता था कि गोंडवाना का जो राज्य चिन्ह है वो कितने क्षेत्रों में फैला होगा, मुझे ऐसा लगता था कि एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इस क्षेत्र में ज़रूर फैला होगा। लेकिन जब मैं इसको जानता गया, जब मैं इसका रिसर्च करता गया, तब ये पता चला कि गोंडवाना का राज्य चिन्ह भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी है। ये इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। और समझना है तो हमें बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके घूमना पड़ेगा। और ये तब हो सकता है जब कोई एक टीम मिलकर जाए और वहाँ पे रिसर्च करे। और आपको, आप सबको पता है कि आलय वृत्त टीम हर क्षेत्र में जाकर अपने निशान, अपने वजूद को ढूंढती है, इतिहास को सामने लाती है। और मैं आपको एक बता दूं, मंडला में जो राज्य चिन्ह शुरू हुआ है, क्या राज्य चिन्ह यही राज्य चिन्ह उत्तर से दक्षिण तक यही है? हाँ, यही तो है, लेकिन अलग अलग छटाओं में। कभी शेर हाथी से बड़ा हो जाता है, कभी हाथी शेर से बड़ा हो जाता है, कभी शेर को हाथी की सूंड आ जाती है, तो कहीं कहीं हाथी और शेर एक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी छटाएं हैं, बहुत सारे ऐसे, आप निरीक्षण करेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसको मैंने खुद सामने देखा, महसूस किया है। और ये जो जर्नी होती है, आप सब भी पूछते हैं कि कन्हा की जो आप ये जो जर्नी करते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, आप बताइए। वीडियो के ज़रिए मैं पूरी बातें यहाँ पे नहीं बता सकता। इसका कारण ये है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, और इस ट्रैवलिंग में जो चीज़ें सामने आती हैं, वो हर चीज़ों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट तक आप सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपको भी सुनने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये हिस्ट्री है, कोई कॉमेडी नहीं। इसको सही ढंग से लाना है, इसलिए मेरे जर्नी के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा फोटोज़ को मैंने एक किताब में बद्ध किया है, उसको बंद किया है। जी हाँ दोस्तों, उस किताब का नाम है, उस ई बुक का नाम है माय ट्रैवल फोटो बुक। बुक ट्रैवल के रिसर्च पे पूरी तरह से संबंधित है, और इस बुक में मैंने कुछ चुनिंदा फोटोज को लेकर आपको समझाया है। हर एक फोटो के नीचे मैंने लिखा है और उस फोटो को एक्सप्लेन किया है कि ये जो फोटो है, ना ही आपको गूगल पे मिलेगा और किसी चीज़ पे नहीं मिलेगा, ये हमारे कैमरे में कैद हुआ है और इसको सही डायरेक्शन में हम ही देख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर, प्राचीन क्षेत्रों में हाथ और सूर्य चंद्र मिला है, जिसको बहुत सारे लोग या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी उसको सती का प्रतीक मानता है, लेकिन किसी भी एंगल से मुझे वो सती का प्रतीक नहीं लगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैंने वहाँ पे जंगोदाई के बारे में लिखा है, और ऐसी चीज़ें लिखकर मैंने एक पुस्तक तैयार किया है जिसका नाम है रहस्यों की खोज, माय ट्रैवल फोटो बुक पार्ट 1। और ऐसे बहुत सारे फोटोज मेरे पास जमा है, कुछ चुनिंदा फोटोज़ को मैंने इस पार्ट में लिया है, तो कुछ चुनिंदा फोटोज़ को मैं अगले पार्ट में लूँगा। अभी बात करते हैं कि ये किताब आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहस्यों की खोज नाम का एक टाइटल आएगा, और उसके नीचे एक लिंक आएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक चीज़ पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर मेरी किताब का पोस्टर और जानकारी मिलेगी। आपको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पर अमाउंट लिखा आएगा। अमाउंट मैंने इस किताब का रखा है 158 रुपीज़। दोस्तों 158 रुपीज़, वहाँ पर आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद प्रोसेस हो जाएगा, और आप गूगल पे, फ़ोन पे, कार्ड पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको बैक नहीं करना है, आपको बैक की बटन नहीं दबानी है, अपने आप वो सिस्टम एक गूगल ड्राइव पे आपको ले जाएगा और गूगल ड्राइव को दिखा देगा। गूगल ड्राइव पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको उसको क्लिक करना है और वहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो कि आपके मोबाइल में जमा हो जाएगी, और आप उसको PDF के तरह से उसको पढ़ सकते हैं। को मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप ज़्यादा इसकी कीमत रखें, लेकिन मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 158 रुपीज़ ही रखा है, कि चाहे कोई भी आदमी हो जिसको ख़रीदने में दिक्कत ना हो। और ये जो पैसा जमा होगा, ये चैनल के ट्रैवलिंग के लिए, चैनल के फंडिंग के लिए काम आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने ई बुक को आपके सामने रखा। ये ई बुक नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है, जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना मैं घूम चुका हूँ, उसका एक तजुर्बा है। हो सकता है इस किताब में जो मैंने मुद्दे रखे हों बाकी लोगों को समझ में ना आए, या जिनको समझ में आए कोई गुस्सा भी कर दे, लेकिन सीधी बात यह है कि ज्ञान ज्ञान होता है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और इसलिए यह मेरा रास्ता है, मेरा नॉलेज है जिसको आपको पढ़ना है।
दोस्तों ऐसी बहुत सारी किताबें मैंने ई बुक की तरह से लिखी है, भारतीय सभ्यता कौन सी, प्राचीन दिवाली, भारत के प्रकृति पूजक, ऐसी बहुत सारी ई बुक मैंने लिखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और इस डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर इस किताबों को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी दूसरी बात यह है दोस्तों कि अलाइब्रेज चैनल के पीछे कोई भी बड़ा ट्रस्ट, कोई भी बड़ी संस्था नहीं है, कोई भी बड़ा फाउंडेशन नहीं है जो कि उनको हमारी टीम को पैसे देता हो और हम पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम अपने जेब से पैसा खर्च करके पूरी टीम एक्सप्लोर करती हैं। तो सभी को निवेदन चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा है और आपके पास कुछ है तो आप चैनल को मदद कर सकते हैं। उसका भी लिंक अलाइब्रेट डोनेशन करके मैंने नीचे में दे दिया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत कम वीडियो मैं बनाता हूँ जिस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करें, लेकिन प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत कुछ आगे ले जा सकता है और बहुत ऐसे रहस्यों की खोज कर सकते हैं। हम तो यहाँ तक कि अफ्रीका और मलेशिया तक जाने की सोच रहे हैं कि वहाँ पर गोंड जो कल्चर है वो गोंड कल्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोंडवाना मेरी आंखों से अगर आप देखेंगे तो बहुत भव्य और बहुत दिव्य है, जिसको समझना एक आदमी के बस की बात नहीं है, फिर भी हम समझ के लोगों के सामने लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर मेरे इस ऐतिहासिक किताब को पढ़िएगा। जैसे कि आप पूरा किताब पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन किताब में अगर फ़ोटोज़ मिल जाए, बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। और इस किताब में बहुत सारी फ़ोटोज़ का संचय है जिसको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं, और उन फ़ोटो में क्या बारीकी है। मेरे से क्या अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि कनक जी ये छूट गया है, और आप मेरे इस रिसर्च में सहभाग भी ले सकते हैं। तो अलाइब्रेट का ईमेल एड्रेस वहाँ पे दे दिया गया है, तो ईमेल एड्रेस पे आप, अगर आपका पेमेंट होता है, बुक नहीं मिलता, तो ईमेल पे मुझे मेल करें, आपको तुरंत बुक ई बुक भेज दी जाएगी। तो दोस्तों आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए, आशा करता हूँ कि आपको ई बुक वाली बात समझ आई है, और इस ई बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही चैनल पर बने रहें, क्योंकि बहुत सारे रहस्यमय वीडियो तो मैं जाग चुका हूँ लेकिन एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं है। मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर चुका हूँ लेकिन वो वीडियो मेरे कंप्यूटर में पड़े हैं, मुझे एडिटिंग करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे ये सभी वीडियो डलते जाएंगे, आते जाएंगे, आपको देखना है, नॉलेज इकट्ठा करना है। तो बस यही आपसे दुआ चाहता हूँ, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अगर हो सके तो चैनल को डोनेशन भी करें, और सारी किताबें पढ़े, उसको डाउनलोड करें और अपने दिमाग को और होशियार बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय देवसी, जय गुणवाना, जय भीम।